नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभम बैरागी। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों पर। होली के 5 दिन रंग पंचमी का त्योहार संपूर्ण भारत वर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु इस बार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से चिंतित सरकार ने प्रदेश में सभी धार्मिक मेले के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी दौरान हमारे संवाददाता पहुंचे दतिया जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उनाव बालाजी, जहां रीति रिवाज से मनाए जा रही रंग पंचमी महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव को लेकर लोगों से बात भी की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक सूर्य नगरी उनाव बालाजी में रंग पंचमी महोत्सव जिला प्रशासन की कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा सीमित लोगों के साथ मंदिर में रीति रिवाज के अनुसार सूर्य भगवान को रंग समर्पित कर रंग पंचमी पर्व को मनाया। सर्वप्रथम रंगों को मिलाकर भगवान को रंग लगाया गया, इसके बाद रंग गुलाल मंदिर परिसर में उड़े। देखिए इस महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा मंदिर समिति के लोग एवं श्रद्धालुओं ने। हम यहाँ कहाँ से आए हो? शिवपुरी से आए हैं। बालाजी आप आए तो आपने क्या देखा यहाँ पे? मतलब लॉकडाउन का पालन हुआ है पूरी तरह से, और मतलब हमने दर्शन किए थे, दूसरे किए थे दर्शन, और सब सही रहा यहाँ पे। तो आपने जो प्रशासन का यहाँ व्यवस्था देखी, वो किस प्रकार की थी? यहाँ पे हर जगह मतलब पुलिस वाले तैनात थे, और वो सबको मतलब राह दिखा रहे थे, इधर से जाना है, ऐसे करना है, सब यहाँ पे सब सही चल रहा। भगवान भास्कर की जो रंगपंचमी का त्यौहार है, हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इस बार सरकारी कुछ ऐसे आदेश हुए कि हम लोगों ने आपस में ही बालाजी महाराज की रंगपंचमी बड़े धूमधाम से अपने आपस में ही मनाई है। किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं रहने दी है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी लोगों की सुरक्षा का भी हमको सबका ध्यान रखना है, और बड़े ही आनंद से आज होली मनी है। हम सभी लोगों ने आपस में खेली है, हमने किसी के ऊपर अन्य के ऊपर रंग नहीं डाला। जो देखा जाता है कि ऐतिहासिक मेला था, आज मेला भी नहीं रहा, तो आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सुना सुना लगा, बुरा भी लगा, लेकिन चलो आगे भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अगली साल से ही, इस बार नहीं। तो आज जो बालाजी मंदिर में बरसों से रंगपंचमी का त्यौहार मनता चला आ रहा है, कोरोना गाइडलाइन के तहत आज ये सीमित हो गया, बहुत ही कम लोगों ने इसमें भाग लिया है, और पर त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, पर शासन की शक्ति और प्रशासन